हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का जीएससी क्लासेज चैनल पर और मैं हूं कुंदन गोस्वामी। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिससे आपको सुनकर काफ़ी मज़ा आ जाएगा, बहुत ही इंटरटेनमेंट होगा इससे आपका। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चे ने व्हाट्सएप पर मैसेज किए थे कि सर आप जो पढ़ा रहे हैं तो पूरा घंटा का क्लास लेते हैं लेकिन कुछ कहानी वगैरह नहीं सुनाते हैं जिससे हम लोग को इंटरटेनमेंट हो। तो मैंने फाइनली कहा कि जो है मैं आप लोग को एक वीडियो बना करके उसमें स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आप लोग को काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस लॉकडाउन में, इसको सुनिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो एक किसान थे और किसान की पत्नी, तो दोनों जो है खेती वेती करने में पूरा जो है व्यस्त रहते थे। तो दोनों को अभी तक लगभग शादी के लगभग 10 साल बीत गए, अभी तक कोई संतान ही नहीं हुए थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि दोनों ज्योतिषी के पास जाते हैं, कहते हैं चलो आज दिखा लेते हैं हम लोग को संतान कब होंगे। तो ज्योतिषी के पास गए और सबसे बड़ी बात थी कि दोनों को जो लड़की थी, लड़की से नफरत होती थी। मतलब कहने का मतलब है लड़की नहीं हो ऐसा सोचते थे दोनों, सिर्फ लड़का हो। तो ज्योतिषी के पास गए और ज्योतिषी के पास जाकर के बोले किसान जो थे और उनकी पत्नी, बोले बाबा जो है हम लोगों को संतान नहीं हो रहे हैं, कब होंगे संतान बताइए प्लीज़ बाबा बताइए। तो ज्योतिषी ने जब उनके हाथ को देखा तो देखा कि उनको 5-5 बेटियाँ हैं। कितना बेटियाँ? 5-5 बेटियाँ। तब ज्योतिषी ने कहा उनको कि जो है ज्योतिषी पहले जानते थे कि अगर इनको मैं लड़की के बारे में बोलूँगा तो इनको दुख लगेगा मन में, इसलिए उन्होंने कहा कि आपको 5 संतानें होंगी। बोला 5 संतानें? बोले लड़का या लड़की बाबा? तो बोले ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं कोई भगवान नहीं हूँ जो मैं बता दूंगा लड़का होगा या लड़की। ध्यान से सुनिएगा क्या हुआ। उसके बाद जो है मिठाई उठाई और पैसे उसे दे दिए ज्योतिषी के और चले गए। दोनों खुश हैं पूरा कि जो है अब 5 संतान होने वाला है। उसके बाद सही उसका निकला ज्योतिषी का। उसके बाद बोले कि जो है ठीक है, अब जो है समय आ गया है फिर संतान होने का। जैसे ही संतान हुआ तो फर्स्ट टाइम जो उनको हुआ एक लड़की हुई, और लड़की जो हुई पूरा एकदम काला कलूटा, मतलब पूरा काला कलूटा, रंग से कोई लेना देना नहीं है लेकिन क्या करिएगा, पूरा काला कलूटा, पूरा एकदम भूतनी की तरह देखने में। कैसा लगा? हे भगवान, पूरा भूतनी की तरह, ठीक है। तो किसान ने कहा कि इनका नाम ही रख दो भूतनी। तो पहला जो उनको लड़की हुआ, ध्यान सुनिएगा बहुत मजा आएगा, ठीक है आपको, उनका नाम क्या रखा गया? भूतनी। ध्यान दीजिएगा क्या नाम रखा गया? भूतनी, ठीक है। बोला ठीक है, अब तो लड़की हो गया है, अब अगले बार निश्चित रूप से लड़के ही होंगे। तो बोला ठीक है, उनकी पत्नी भी पूरा खुश थी कि अगली बार जो है 5-5 संतान जब होंगे तो अगले बार तो लड़के होंगे ही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों सुनिएगा, उसके बाद क्या हुआ कि बोले कि अगर लड़की हो गई, किसान बोल रहे थे अगर लड़की हो गई तो दिल मेरा टूट जाएगा, क्योंकि एक लड़की तो पहले भूतनी हो चुकी है, फिर अगर लड़की हो गई तो मेरा दिल टूट जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हुआ, भगवान का देखिए क्या करामत है, फिर से जो है लड़की ही हो गई, ठीक है, हे भगवान। तो बोला मेरा दिल टूट गया ये लड़की के वजह से, फिर लड़की हो गई, इसलिए उनका नाम रख दिया उन्होंने टूटी। क्या नाम रख दिया? टूटी। देखिए दो अभी तक लड़कियां हो गई, एक भूतनी, दूसरा क्या हुआ? टूटी। बोला क्या करें, उसकी पत्नी बोल रही मेरा तो दिल टूट के फट जाएगा, मतलब मेरा दिल टूट के फट जाएगा, ऐसा कह रही उसकी पत्नी। दोनों लड़की हो गई है भगवान, क्या करें, अब तो 3 गो बच्चा है, अब 3 गो में देखते हैं क्या होगा। सोच रही थी तीनों लड़के हो, ऐसा सोच रही थी दोनों, ठीक है। तो हुआ क्या, फिर तीसरा का वेट कर रहे, फिर क्या हुआ, फिर लड़की हो गई। बोले अब तो दिल टूट के फट गया मेरा, नहीं तो बोला इसका नाम रख दो फटी। क्या नाम रखा गया? फिर तीसरा का नाम रखा गया फटी। ध्यान से सुनिएगा, पहला लड़की का नाम क्या रखा गया? भूतनी। दूसरा का टूटी, तीसरा का फटी। अब बोला कि अब क्या होगा। बोला उसकी पत्नी बोलती है किसान को, घबराइए नहीं जी, घबराइए नहीं जी, अगर फिर अब लड़का हो गया ना तो ये सब आपका जितना दुख दर्द है ना सब फीका पड़ जाएगा, सब आपका फीका हो जाएगा, समझ रहे हैं। आपका जितना मतलब नहीं कहता है कि कोई अच्छा चीज़ आ जाता है तो बुरे पर तो वो सब चीज़ फीका हो जाता है। बोले ठीक है इस बार देखते हैं, पूरा खुश है दोनों। अब फिर संतान का टाइम हुआ, तो फिर जैसे ही हुआ
तो फिर जो है बोली फिर लड़की हो गई, बोले हे भगवान तुम तो बोली थी सारा चीज फीका हो जाएगा, अब फिर जो है उस लड़की का नाम रखा गया फीकी। क्या नाम रखा गया? फीकी। सुनिएगा अभी बहुत मजेदार कहानी है, अभी आपको सुनिएगा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फीकी नाम रखा गया चौथा नंबर लड़की का। अब लास्ट एक बचा है, बोला अब देखो लास्ट में भी अगर लड़का हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मर जाए ये सब संतान, हमको कोई मतलब नहीं ये सब संतान से। चार चार बेटियां हो गई, मतलब अब एक भी लड़का नहीं होगा तो मर जाए इसे संतान से हमको मतलब नहीं है। किसान बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा सोचते थे कि लड़का हो हमें ठीक है। तो बोले अगर इस बार लड़की हुई तो उनका नाम रख देंगे मरी, अब कोई नाम उम नहीं ये सब नहीं, मरी नाम रख देंगे। फिर हुआ क्या, जैसे ही टाइम हुआ मतलब होने का, मतलब संतान होने का टाइम हुआ, फिर देखिए भगवान का करामत क्या है, फिर से लड़की हो गई, उनका नाम रखा गया मरी। क्या नाम रखा गया? मरी। मतलब जो मरा हुआ नहीं रहता है। अब देखिए पांचों लड़कियां, क्या क्या नाम रखा गया ध्यान दीजिएगा, भूतनी, टूटी फटी, फीकी और मरी। हे भगवान, किसान का तो हालत खराब है, कह रहे हैं कि जो अब क्या करें, ये पांच पांच गो हमें लड़कियां ही हो गई ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद अब पांचों लड़कियां बड़ी हो गई, तब सबसे बड़ी तो भूतनी है, बोले ठीक है भूतनी का चलो शादी ब्याह लगाते हैं अब भूतनी का ठीक है। उसके बाद टूटी का शादी करा देंगे, फिर फटी का, फिर फीकी का, फिर मरी का, उसके बाद फिर हम लोग का टेंशन मुक्त हो जाएंगे हम लोग ठीक है। तो बोले ठीक है, भूतनी का शादी के लिए बुलाया गया मेहमान को, मेहमान देखने आए। और देखिए ये पांचों लड़कियां जो थी, पहले समझ लीजिएगा बात को, पांचों लड़कियां जो इसके घर में थी, एक एक काम सबको दिया जाता था, नहीं तो पांचों लड़ाई कर लेती थी, कहती थी कि हम एक काम करेंगे वो एक काम करेंगे, नहीं तो एक ही लड़की पर अगर बोझ हो जाता, जैसे मान लीजिए एक काम टूटी को कहा जाता था, दूसरा काम फटी को, तीसरा काम फीकी को, चौथा काम मरी को, मतलब सब एक एक काम करते थे ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं कहानी पर। तो आए मेहमान देखने के लिए, मेहमान आए तो जो है मेहमान आए, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों ध्यान सुनिएगा। मेहमान आए और जो किसान थे, किसान ने मेहमान को आइए मेहमान जी आइए, बोले जी जी, तो बोले कि आइए। तो उसके बाद जो है भूतनी का तो शादी ही है, भूतनी का तो शादी है, टूटी को बोला गया बेटी टूटी कुर्सी लेकर क्या, क्या बोला गया, बेटी टूटी कुर्सी लेकर क्या, नहीं बोलता है प्यार से, मान लीजिए आपका नाम राधा है तो बेटी राधा कुर्सी लेकर आ, इन्होंने क्या कहा कि बेटी टूटी कुर्सी लेकर क्या। मेहमान सोचने लगे टूटी कुर्सी पर हम बैठेंगे, बोले किसान को बोले नहीं नहीं मेहमान जी रहने दीजिए हम लोग ऐसे ही काम चला लेंगे, चटाई है तो चटाई दे दीजिए, हम लोग कुर्सी पर नहीं बैठते हैं। मेहमान जो फिर से नाराज हो गए, बोले नहीं नहीं हम जो है कुर्सी पर नहीं बैठते। और अगला काम अब किसको देगा, फटी को, क्योंकि टूटी का तो काम नहीं हुआ। फिर जो है चटाई जो है, बोले इसको किसान बोले बेटी फटी चटाई लेकर क्या, फटी चटाई, अब सोचिए फटा हुआ चटाई क्या क्या बीतेगा इस मेहमान जो है। मेहमान सोच रहे हे भगवान, देखिए अब कह रहा है फटा हुआ चटाई तो कुर्सी पे नहीं बैठे ठीक है, अब कह रहा है फटी चटाई, बोले मेहमान जी बोले नहीं नहीं रहने दीजिए ऐसे भी हम लोग ठीक है बैठ जाएंगे, ऐसे भी मतलब ठीक है जमीन पर ही बैठ जाएंगे, तो चटाई पर नहीं बैठते हैं, फटी का भी काम हो गया। अब बोला कि मेहमान जी को बोला कि जो है अब कुछ चाय हो जाए तब दिखाएंगे लड़की को आपको, तो बोले ठीक है चाय बनवा दीजिए, मेहमान बोले। तब बोलते अगला काम है फीकी के लिए, बोलते बेटी फीकी चाय लेके आओ, बेटी फीकी चाय लेके आओ। अब जो है मेहमान कहती है हे भगवान फीकी चाय पी के क्या करेंगे, मन में सोचते हैं मेहमान लोग ठीक है, बोलते नहीं नहीं रहने दीजिए हम लोग चाय तो नहीं पीते हैं, चाय छोड़ दिए पीना मेहमान जी, हम गलती से बोल दिए, दूध मंगवा दीजिए, दूध हम लोग पीते हैं ठीक है। अब अगला काम है मरी का, तो कहते हैं ये किसान मरी को बेटी मरी गाय का दूध लेके आ, कहता है किसान कहता है हे भगवान क्या हो रहा है, मतलब जो है अब मरी गाय का दूध हम पिएंगे, तो गाय मर गई है उनका दूध ही लोग निकाल के हमको दे रहे हैं। मेहमान फिर से नाराज हो गए, बोले हे प्रभु आपका हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आप लड़की को दिखा दीजिए, कहाँ है लड़की, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो बोले बोलते हैं
बेटी भूतनी को लिया, किसको लिया? क्योंकि शादी किसका था? शादी किसका था? भूतनी का। मेहमान लोग जैसे ही सुने कि भूतनी को मंगवा रहे हैं, वैसे ही घर छोड़कर भाग गए। तो क्या देखेंगे मेहमान। तो यही तक था हमारा स्टोरी। तो ये स्टोरी इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।